नीली शर्ट मुझसे जल गई। कोई बात नहीं बेबी, वैसे मेरे पास एक और नीली शर्ट है। मुझे पता था, इसलिए मैंने वो नीली शर्ट का कपड़ा काट के जली हुई शर्ट पे लगा दी। कल क्रश को बर्थडे विश करने के लिए पूरी रात जगा रहा और वो थैंक यू ब्रो बोल के सो गई। प्यार नहीं था तो ऐसे ही मना कर देती, घर आके बीवी को बताने की जरूरत थी। 3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आ। पर 3 दिन बाद तो मेरे पेपर चालू हो जाएंगे। 3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आ। पूरे परिवार को ला सकता हूँ क्या? समझ नहीं आई आज तक, ये मैगी मेल है या फीमेल? फीमेल है। कैसे? 2 मिनट का वादा करके 10 मिनट में बनती है। भाई कल मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया था। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, तो मैं 3-4 घंटे ना घर वालों के साथ बैठ गया। भाई बहुत अच्छे लोग हैं वो। तुम दिल मांगो दे देंगे, तुम धड़कन मांगो दे देंगे, तुम जिगर मांगो, चाहे तुम जान मांगो वो भी दे देंगे, क्योंकि ये 4 फिल्मों मैंने डाउनलोड करके रखी है। भाई क्यों परेशान बैठे है? यार मैं अपनी बंदी से ना बहुत प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा उसके भाई को कैसे मनाऊं। तो भाई एक काम कर, उसके भाई को डिनर पे ले जा। है भाई, चल मिलते हैं फिर रात को खाने पे। पता है रजाई ना एक नशा है और मैं पूरे दिन नशे में रहता हूँ। अगर अपने सारे सपने पूरे करने हैं ना मेरे भाई, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुबह लेट तक सोना। पैसे चाहिए? हाँ, कितने? यही कुछ 20-25 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे हमारे बारे में लोगों से क्या पूछती हो डार्लिंग, हम तो खुद के घर वालों को ही पसंद नहीं है। जिसके लिए मैं 5-5 रुपए जमा करके चॉकलेट लेके जाता था, पर वो तो गुटखा खाती थी। नाम में क्या रखा है साहब? सूरज नाम का लड़का भी 4-4 स्वेटर पहन के घूम रहा है। सोच रहा हूँ झूठी तारीफ करना सीख लो, सच बोलता रहूंगा तो एक भी नहीं फटेगी। लड़कियाँ 300 रुपए की सैंडल लाने के बाद पूरे घर में चिल्लाती कि शॉपिंग करके आई है, और लड़के 1000 रुपए की दारू पीने के बाद भी घर पर आकर चुपचाप सो जाते हैं। छोड़ गई वो मुझे ये बोलकर कि मुझे कोई दूसरा मिल गया, अब उसे कौन बताए कि वो दूसरी आईडी भी मेरी है। भाई मैं बहुत अमीर हूँ। कितना? खुद का एक बैंक है। कौन सा? पावर बैंक। जब भी घर वालों को बोलता हूँ कि सर्दी बढ़ गई है तो नई रजाई दिला देते हैं, पता नहीं सारा कब समझेंगे। अरे भाई मैं नहीं नहाऊंगा। भाई डॉक्टर कहता है गर्म पानी से नहाने पर इम्यूनिटी मर जाती है। अच्छा तो क्या ठंडे पानी से नहा के खुद मर जाओ।